नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके और ये वक्त है महरो राजस्थान का। मैं हूँ आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, आपको बता दें कि अहमदाबाद में ऊर्जा पर होने वाले समिट में शिरकत करेंगे। ग्लोबल री इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एक्सपो 2024 का आयोजन किया जा रहा और दोपहर बाद तक अहमदाबाद से राजस्थान के लिए वापस लौटेंगे। अलवर में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत से मुलाकात, जो है सीएम कर सकते हैं। अहमदाबाद से लौटकर अलवर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जा सकते हैं और अभी अलवर प्रवास पर जो है संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत है। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और कहा यह जा रहा है कि दोपहर के बाद जो है वो वापस लौटेंगे तो अलवर दौरे पर जा सकते हैं, जहाँ पर मोहन भागवत से मुलाकात सीएम भजन लाल शर्मा कर सकते हैं। ऊर्जा पर होने वाले समिट में शिरकत आज करेंगे, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अहमदाबाद से लौट करके अलवर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जा सकते हैं। शाहपुरा के जाजपुर से बड़ी खबर सामने आई। पत्थरबाजी मामले में बड़ा अपडेट आया है। ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है। विधायक गोपीचंद मीणा ने धरना समाप्त की घोषणा की है। विधायक गोपीचंद मीणा और ग्रामीणों का धरना जो है वो समाप्त हो गया है। जिला प्रशासन ने सभी मांगों को मान लिया है। जिला कलेक्टर और सपा की मौजूदगी में विधायक गोपीचंद मीणा ने जो है धरना समाप्ति की घोषणा की है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं शाहपुरा के जहाजपुर से, जहां पर आपको बता दें कि पत्थरबाजी के बाद से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश था, धरना दिया जा रहा था। विधायक गोपीचंद मीणा भी मौके पर पहुंचे थे, वो भी धरना में शामिल हुए थे और उसके बाद से जो है धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। जहाजपुर में जल जुलनी महोत्सव के दौरान जुलूस निकाला जा रहा था, उसी दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी की जाती है, जुलूस पर हमला किया जाता है, उसको देखते हुए लगातार विधायक गोपीचंद मीणा और हिंदू संगठन के विभिन्न लोग धरने में बैठे हुए थे। दो दिन से लगातार यह धरना जारी था, अब प्रशासन ने शर्तें मान ली गई है। हमारे साथ गोपीचंद मीणा है, बात करते हैं किन शर्तों पर धरना समाप्त किया जा रहा है, क्या क्या शर्तें मानी गई। हमारी जो प्रशासन से 5-6 मांगे थी, सारी प्रशासन ने हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के निर्देश पे सारी मांगे प्रशासन ने हमारी मांग लिए बातें और हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारा धरना समाप्त कर रहे हैं। और अभी जो जो बातें प्रशासन से हमारे बीच में संवाद हुआ, एग्रीमेंट हुआ, उन बातों की अभी से पालना की जाए। क्या क्या शर्तें मानी आपने, क्या क्या मांगी शर्तें मांगी? हमारे लोगों को डिटेन किया, उनको रिहा करेंगे, अवैध जितने भी बाहर अतिक्रमण है वो अभी से हटाए जाएंगे, बुलडोजर चलेगा और 3 दिवसीय कार्य दिवस में इसके ध्वस्त करने के, इस मजार को ध्वस्त करने के लिए, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को 3 दिन में जिला प्रशासन पॉजिटिव रिपोर्ट भेज के वहां से अतिक्रमण की परमिशन मांगेंगे। 3 दिवस में धरना समाप्त होता है जाजपुर, अब शांति। हाँ, शांति, धरना समाप्त होता है शांति। देखिए, कहीं ना कहीं गोपीचंद मीणा लगातार वार्ता कर रहे थे, जो कोठड़ी प्रधान है, कई नेता यहाँ पर थे, हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर थे, लगातार वार्ता कर रहे थे और प्रशासन ने उनकी मांगे मान ली है, लोगों में खुशी साफ नजर आ रही है, धरना इन्होंने यही समाप्त कर दिया है। विरोधन संघर्ष सराटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। जल झूलनी एकादशी के अवसर पर जाजपुर कस्बे में निकाले जा रहे जुलूस पर पत्थरबाजी के मामले में लगातार धरना जारी था, पर अब प्रशासन द्वारा सभी मांग जो है मान ली गई है। इसके बाद सबसे प्रमुख मांगों में से अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर कार्रवाई करने की थी, उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए विधायक गोपीचंद मीणा ने नगर पालिका प्रशासन के साथ मिल करके रातों रात इस कार्रवाई को अंजाम देने का काम शुरू कर दिया है और अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर पीला पंजा चला दिया, जिसकी तस्वीर सामने आई है। अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर आप देखिए बुलडोजर से कार्रवाई होती हुई दिखी है। जुलूस पर पत्थरबाजी का ये पूरा मामला था, प्रशासन ने जो है मांगे मान ली और धरना समाप्त कर दिया गया। जल जुलनी का जो जुलूस निकल रहा था उस पर पत्थरबाजी की गई थी, 2 दिन से धरना चल रहा था पर वो धरना समाप्त हो चुका है। कई शर्तें रखी गई थी, एक महत्वपूर्ण शर्त रखी गई थी, जो अवैध कब्जे हैं, अवैध कैबिने हैं, अवैध अतिक्रमण है, उस पर कार्रवाई की जाए। देखिए, जेसीबी यहाँ पर चल रही है, पीला पंजा चलाया जा रहा है, जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है, रातों रात ये कार्रवाई की जा रही है, पूरा ध्वस्त किया जा रहा है अतिक्रमण को। मैं चाहूंगा मेरे वीडियो सहयोगी आपको नजदीक से दिखाए कि किस प्रकार से इस अतिक्रमण को यहाँ से हटाया जा रहा है। रुकन देखिए, पीला पंजा बहुत ही नजदीक पहुंच चुका है,
उस अवैध कैबिन के, और उसे यहाँ से तोड़ा जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है। सरकारी लवाजमा यहाँ पे पहुंच चुका है। जो प्रशासन ने मांगे मानी थी उसमें एक मांग ये भी थी, कहीं ना कहीं इसको देखते हुए ये मांग पूरी की गई है और लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ MLA गोपीचंद मीणा है जाजपुर के, जो यहाँ पर खुद मौजूद है इस पूरी कार्रवाई में, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। MLA साहब, मांगों में ये मांग भी थी जो आज पूरी हो गई। हाँ, ये हमारी जनभावना के अनुसार सरकार ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ये बुलडोजर चला जाए। ये किन पे बुलडोजर चला जाता, किन के कैबिनेट? ये जो जिन्होंने हमारे भगवान के बयान पे पत्थरबाजी की, उन अतिक्रमणकारियों पे ये बुलडोजर चलाया जा रहा, मुस्लिम समाज के लोगों। और कितनी कार्रवाई अभी रातों रात होगी? जितनी भी कर पाएंगे हम सारी तोड़ने का प्रयास। तो आज रातों रात और भी कार्रवाई होगी? और भी कर रहे हैं। ये कार्रवाई कब तक जारी रहेगी? लगातार जारी रहेगी। देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसको नाबूद इस अवैध कब्जे को या अवैध अतिक्रमण को। और खबर कोटा से है, जहां पुलिस ने एक अच्छा गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह लोगों को पैसा दोगुना करने और तंत्र मंत्र के जरिए सोने की ईंट बनाने का झांसा देकर के ठगता था। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह का मुख्य सरगना मांगेलाल मेघवाल उर्फ बाबा फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक फर्जी बाबा ने बकायदा दरबार लगा करके जादू टोने और तंत्र मंत्र से रुपए दुगने करने का विश्वास दिलाया और दैवीय शक्ति और खुद को चमत्कारिक बाबा जो है बता करके भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाता था। इसके लिए बाबा ने अपनी ठगी की मार्केटिंग के लिए करीब आधा दर्जन लोगों को सैलरी पर भी रखा, जो सेवक बनकर के लोगों को झांसे में लेते थे। ठगी के इस गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद खुद को चमत्कारिक बताने वाला बाबा फिलहाल फरार है। एक लाख लेके आओ, 9 दिन दीपक लगाओ, 10वें दिन 2 लाख ले जाना। 3 बार पैसे दिए डबल करके, फिर बाद में ज्यादा लगाए ना, किसी ने 10 लाख लगा दिए तो 20 लाख दूंगा, फिर कंपनी बग गया पैसे लेके। और मौसम से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे दे, प्रदेश में फिर मॉनसून सक्रिय होगा। कल से फिर बारिश होने का जो दौर है वो शुरू हो सकता है। 17 सितंबर से अगले 2 से 3 दिन बारिश की संभावना जताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बारिश से लेकर के दे रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर देखने को मिला और एक बार फिर से प्रदेश में मॉनसून सक्रिय हो सकता है। कल से फिर भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 2 से 3 दिन बारिश की संभावना जताई जा रही है। धौलपुर जिले के बसेड़ी की ग्राम पंचायत महू गुलावली में जलभराव से आ रही परेशानियों को देखते हुए ग्राम पंचायत एवं उपखंड प्रशासन के द्वारा पानी निकासी के लिए बसेड़ी सेपऊ मार्ग को काट दिया गया। सड़क मार्ग के कटते ही पानी की निकासी तेज हो गई, लेकिन मार्ग पर चार पहिया और भारी वाहनों का आवागमन ठप हो गया, जिससे बसेड़ी और सेपऊ क्षेत्र का यातायात संपर्क टूट गया। ग्रामीणों ने बताया कि दिन भर मार्ग से यातायात जो है बंद हो गया। सिर्फ 2 पहिया वाहन के लिए छोड़ी गई सड़क से बाइक सवार आवागमन करते हुए नजर आए। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खेतों और बस्ती के अंदर पानी भरने से कई मकान धराशायी हो गए। वहीं सरकारी कार्यालय, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी और पंचायत घर सभी को चारों ओर से पानी ने घेर लिया, जिसकी तस्वीर सामने आई है। तो धौलपुर की तस्वीर देखिए, वाहनों का आवागमन जो है पूरी तरीके से बंद हो गया। भारी बारिश की वजह से ये समस्याएं जो है देखने को मिल रही हैं। जलभराव से खेत जो है वो भी पानी में डूबे हुए दिखे। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। तालकटोरा में महिला का शव मिला है। तालकटोरा में महिला का शव देख लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। घटनास्थल के लिए सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम रवाना हो गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर तालकटोरा में महिला का शव मिला है। महिला कौन है अब इसकी जो है तलाशी की जा रही है। जैसे ही शव देखा गया तो पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हुई है। अब जांच की जा रही है कि आखिर जो है महिला का शव कहां से आया, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है। फुल एक्शन मोड में कलेक्टर अर्तिका शुक्ला दिखी है। सफाई व्यवस्था पर निगम अधिकारियों की उन्होंने खिंचाई भी की।
शहर में दौरा कर नालों की सफाई का निरीक्षण किया। पहले भी शहर की गंदगी पर नाराजगी जो है कलेक्टर जता चुकी है। रोड नंबर 2 और स्वर्ग रोड पर गंदगी से जो है अड़े पड़े हुए जो नाले हैं वो देखने को मिले और गंदगी देख करके कलेक्टर ने नाराजगी जताई है। अधिकारियों को 3 दिन में सफाई करवाने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको अलवर से दे रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, कलेक्टर आपको नजर आ रही हैं जो कि औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंची और जो है नाली में गंदगी देख करके गुस्सा भी हुई। अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसकी सफाई होनी चाहिए। आगामी उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है। डोटासरा और कांग्रेस सांसद बीजेपी पर जम करके बरसे। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस का करारा प्रहार, झूठे वादों से मिली सरकार। झूठे वादे देश की प्रधानमंत्री से कराकर काम किया। वन स्टेट वन इलेक्शन, बीजेपी कर रही कंफ्यूजन। इन्होंने जानबूझ करके कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये घोषणा बजट घोषणा में करवाई। प्रदेश में सियासी पारा हाई, कभी वन स्टेट वन इलेक्शन तो कभी ब्यूरोक्रेसी, कभी झूठे वादों का बयान तो कभी सरकार का कामकाज। इसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने चूरू के रतनगढ़ में सरकार के कामकाज को लेकर मंत्रियों के इस्तीफे तक पर हमला बोला। इससे 9 महीने में किसी चीज की तैयारी नहीं हुई। जो वादे इन्होंने किए थे वो सारे हवा हवाई हो गए। जनता परेशान है, हर वर्ग परेशान है। न बिजली की व्यवस्था है, न पानी की है, न सड़कें ठीक हो रही है, न अतिवृष्टि से लोग मर रहे हैं, हीट वेव से लोग मर रहे थे। इनके कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्होंने तो केवल हिंदू मुस्लिम करके और झूठे वादे देश के प्रधानमंत्री से करा करके ये सत्ता लूटने का राजस्थान में काम किया। आज न मुख्यमंत्री की चल रही है, न मंत्री की चल रही है, न विधायक की चल रही है, न प्रधान की, न जिला प्रमुख की, न कोई चेयरमैन की, न कोई मेयर की। पूरी ब्यूरोक्रेसी आ गई है। जो मर्जी है जो करे, मंत्री तो ढाई महीने घूम रहे हैं। वहीं सीकर में गोविंद सिंह डोटासरा ने आगामी उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में भाजपा एक भी सीट नहीं जीतने वाली। हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ सूपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि वो तो पार्टी जिम्मेदारी देती रहती है और जो जिम्मेदारी पार्टी देती है उसका निर्वहन करते हैं। मुझे भी हरियाणा के लिए कहा गया है, सुख जी को भी कहा गया है, सचिन जी भी हैं और भी हमारे तमाम जितने भी नेता हैं उनको सबको साथ लेकर के हम हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। आशा करते हैं कि हमारे यहाँ उपचुनाव घोषित होने वाले हैं, तो पहले 6 थे, दुर्भाग्य से जुबेर साहब का इंतकाल हो गया है, तो ये 7 उपचुनाव हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी उसकी घोषणा होगी और राजस्थान में 7 के 7 उपचुनाव में बीजेपी 0 पे रहेगी। वन स्टेट वन इलेक्शन, पहली बात तो ये बजट घोषणा का पार्ट नहीं होता है। इन्होंने जानबूझ करके कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये घोषणा बजट घोषणा में करवाई। और वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए पहले केंद्रीय कानून पंचायती राज का और यहाँ के स्टेट के जो नगर पालिका या पंचायत राज के जो कानून है उनमें इनको संशोधन करना पड़ेगा। और वो संशोधन किस तरीके से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसके बावजूद ही लोगों में कह रहे हैं कि हम 7 कराएंगे, 2025 में कराएंगे, 12 महीने आगे कराएंगे, इनके अधिकार में नहीं है। इधर सांसद भजनलाल जाटो ने भी बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने केंद्र और प्रदेश की सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं और तानाशाह सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि बीजेपी के विधायक भी अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं। दरअसल टोडा भीम कस्बे में कांग्रेस की ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर चर्चा हुई। उधर बैठक सांसद के सामने ही कार्यकर्ताओं में कहासुनी हो गई, जिसे सांसद ने शांत करवाया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की नहीं चल रही है, हम तो विपक्ष के हैं। भारतीय पंचायत विधायक सुना नहीं आपने, उसके अपने वहाँ के राजकोट के जो विधायक, उन्होंने क्या बोला था रामबिलास जी ने, विधायक नहीं मिल सकते मंत्रियों से और मंत्री नहीं मिल सकते मुख्यमंत्री जी से। सरकार व्यवस्था पूर्वक काम कर रही है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। जब भाजपा के विधायकों की यह हाल है आप समझ सकते हो। हमारा काम है विपक्ष की, हमारे प्रतिपक्ष का काम है जनहित के मुद्दे उठाना। प्रदेश में उपचुनाव के बयार बहने के बाद सियासी गर्मियां बढ़ गई हैं। अब देखना यह होगा कि उपचुनाव के बयार का रुख किस तरफ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 राजस्थान। नारगढ़ इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भट्टा बस्ती थाने में स्थानीय लोगों ने रात को पुलिस को सूचना दी कि नारगढ़ पहाड़ी पर दो लड़के फंसे हुए हैं। पुलिस ने सूचना पर घटना की पुष्टि करने के लिए भट्टी बस्ती पहुंची और देखा कि पहाड़ से दो लाइट जल रही है, जिससे लग रहा था कि दो युवक मोबाइल से टॉर्च जला करके उनकी मौजूदगी की जानकारी दे रहे हैं। भट्टा बस्ती थाना पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी गई, अधिकारियों को भी जानकारी दी गई और सिविल डिफेंस को मौके पर भेजा गया। सिविल डिफेंस मौके पर पहुंची और अंधेरे में देर रात तक 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू टीम रात 2 बजे नाहरगढ़ पहाड़ी पर से रस्सियों के सहारे नीचे उतरी। मौके पर पहुंचे तो ये पता चला कि रेडियल की 2 पतंग वहां पर फंसी हुई थी, जिस पर लाइट पड़ने पर वह चमक रही थी। पतंग होने की पुष्टि होने पर सिविल डिफेंस और पुलिस अधिकारियों ने चैन की सांस ली। शनिवार देर रात करौली हिंजौन मार्ग स्थित नए पांचना पुल से नदी में कूदी महिला को लगातार तीसरे दिन उसकी तलाशी की जा रही है। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम महिला की नदी में तलाशी कर रही है। आपको बता दें कि अरोरा गांव निवासी रुकमणी करौली हिंजौन मार्ग स्थित नए पांचना पुल से शनिवार रात को नदी में कूद गई थी। रविवार को भी दिन भर महिला की सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ तलाश कर रही थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और महिला की नदी में तलाशी शुरू कर दी गई। सोमवार सुबह एक बार फिर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम सुबह पांचना नदी पहुंची, जहां पर महिला की नदी में तलाशी शुरू की गई। करीब 38 घंटे बीतने के बाद भी महिला का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, तो अभी भी जो है तलाशी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, महिला के नदी में कूदने का ये पूरा मामला है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कोई अपडेट इस पूरे मामले में? जी देखिए, बताना चाहूंगा, ये महिला शनिवार रात करीब 8 बजे नदी में कूदी थी और उसके बाद शनिवार रात को भी अभियान चलाया गया था, लेकिन देर रात के चलते रोक दिया गया। रविवार को पूरे दिन सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। और आज सुबह 6 बजे से फिर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर है और महिला की नदी में तलाश की जा रही है। साथ ही शहर कोतवाली पुलिस भी मौके पर है और लगातार जो पुलिस है वो इस मामले को लेकर जांच कर रही है, परिजनों से भी पूछताछ कर रही है और नदी में लगातार तलाश जारी है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो महिला के नदी में कूदने का ये पूरा मामला है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है, कोई सुराग महिला का नहीं मिला है। सिरोही में शिक्षा विभाग की भारी लापरवाही से नाराज लोगों ने देर रात गोयली चौराहे पर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि धौलपुर में होने वाली राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में यहां से 20 बच्चियों को जाना है, लेकिन इनके साथ एक ही महिला शिक्षक को भेजा जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को भी अवगत कराया, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया है। इससे नाराज अभिभावकों ने देर रात हंगामा किया और बच्चियों को टूर्नामेंट के लिए नहीं भेजा। तो सिरोही से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ये प्रदर्शन देखने को मिला। 20 बच्चियों को कुश्ती टूर्नामेंट के लिए जाना था, लेकिन उनको भेजा नहीं गया। टूर्नामेंट में केवल एक महिला शिक्षक के जाने की अनुमति थी, जिसको लेकर के लोगों में आक्रोश देखने को मिला, तो देर रात सड़क पर प्रदर्शन किया गया। मेडिकल प्रॉब्लम भी आ जाएगी, तो एक भी पुरुष टीचर नहीं भेजा गया। जब बस के अंदर हम लोग छोड़ने आए, वहाँ हमने इन परिस्थितियों को देखा कि बकरों की तरह भर के भेजा जा रहा है। जब दो जो टीचर छोड़ने आए थे वो बिना जवाब दिए हुए तत्काल गायब हो गए। गांधीनगर में एमपी के सीएम मोहन यादव ने राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और उसकी तस्वीर भी सामने आई है। आप ये तस्वीर देखिए, जहां पर आप देखिए सीएम मोहन यादव ने राजस्थान के सीएम भजनलाल से मुलाकात की है। दोनों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है, गुलदस्ता भेंट करके स्वागत जो है किया गया। शिष्टाचार मुलाकात ये मानी जा रही है, कई मुद्दों को लेकर के चर्चा विमर्श भी किया गया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहा है जो कि आई है गांधीनगर में, एमपी के जो सीएम है मोहन यादव, उन्होंने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और सीएम ने उनका स्वागत किया। उसकी तस्वीर गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया गया। दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान आपको नजर आ रही है।
कई मुद्दों को लेकर के जाहिर सी बात है चर्चा विमर्श भी इस मुलाकात में किया गया होगा। अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र के गांव मचाड़े स्थित कोठारी का बास में अज्ञात कारणों के चलते झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने के कारण झोपड़ी में रखा घरेलू सामान सहित करीब 20,000 रुपए की नकदी जल करके राख हो गई है। सुबह जब आग की लपटें देखी तो बस्ती के आसपास लोग एकत्रित हो गए, जिन्होंने पास में बने पोखर से पानी लाकर के आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक झोपड़ी में रखा सारा सामान जल करके राख हो गया। तस्वीर आप देखिए, सब कुछ बिखरा हुआ है। और यहाँ पर जो है, जैसे ही सूचना लगी पुलिस भी पहुंची। परिजनों का जो है, आग के कारण काफी नुकसान हुआ है, रो रो करके बुरा हाल है लोगों का। प्रशासन से जो है सहायता की मांग की गई है। उधर मेलिया या डिलीवरी के मारे जो है जलगा, सारा ही जलगा, काई भी फेरे फेरे कपड़ा रही है, काई कौन रही है। बस्ती को मरिया होता पुकार पुकार, बस्ती आई है जब ऊपर चढ़ चढ़ बुझाई है पानी डाबरान में से ले ले। कोई पता नहीं सो रहे थे बच्चे, पता ही जब चला एकदम भागी पूरी, जब बाढ़ कड़वे आ रही होगा। और महरो राजस्थान में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।